नामांकन दाखल कले जोगी। उपस्थित थिले केंद्रमंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। कर्मी और समर्थकों मध्य विपुल उत्साह। एथर यूपी मांगे फिर योगी सरकार। उत्तर प्रदेश गोरखपुर आसन प्रार्थी होता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नामांकन दाखल कर नामांकन दाखल बेले पाखे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह उपस्थित थे। केंद्र शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश निर्वाचन प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एवं उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्य स्वतंत्र देव सिंह मध्य अन्य बीजेपी नेता मान सहित योगी नामांकन दाखल कार्यक्रम में सामिल होते। योगी जी के आने से असीम उत्साह है जनता में। जनता स्वतः स्फूर्त रूप से पर्चा दाखिले में जाना चाह रही है। रिकॉर्ड बनेगा योगी जी मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सकता उतने ज्यादा वोटों से जिताने की कोशिश है और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मिलेगी योगी जी को। नामांकन दाखल करिबा पूर्वरु योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर रे पूजा अर्चना करथिले। योगी प्रथम थर पई विधानसभा निर्वाचन लड़ीबा को जाउछंती। गोरखपुर योगी का गढ़ भावे परिचित। तेबे नामांकन पूर्वरु केंद्र गृहमंत्री अमित शाह आज गोरखपुर एक साधारण सभा रे संबोधित करिछंती। अमित शाह कहिछंती उत्तर प्रदेश रे इतिहास रे बीजेपी तार इतिहास रा पुनरावृत्ति करबा को जाउछि। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंकर पूरा राजनीतिक कैरियर रे प्रथम थर पई विधानसभा निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करिवे। उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री भाबरे क्षमता को आसीबा पूर्वरु आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सांसद थिले। जेउतिरे से पांच थर जीति। सूचना योग्य गोरखपुर में मार्च 3 अर्थात षष्ठ पर्यायर वोटिंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।